हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? यार उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियोस को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मैं आज एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, एक ऐसा नॉलेज दे रहा हूँ जो अभी तक आपने यूट्यूब में इस तरीके का वीडियोस आपने नहीं देखा होगा। एक ऐसा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ जो आप मात्र कम पूँजी से आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। गाँव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, ठीक है, आप इसको बड़े ही आराम तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्लेट में जो आप बिस्किट देख रहे हैं, इसमें 50 अलग अलग तरीके से बिस्किट रखे हुए हैं। यदि आप चाहें तो आप इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ज़रूरी की बात यह है कि आप बिस्कुट बेचते होंगे या बिस्कुट आप खाते ज़रूर होंगे, कभी न कभी तो ज़रूर खाए होंगे या फिर बिस्कुट खरीदे होंगे, तो आपको पहचानना है। आज आपका टेस्ट भी लिया जाएगा साथ साथ में, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा बिस्कुट जो है किस नाम से आता है और वो कितने रुपये में मिलता है। तो आपको ये पहचान करके मुझे कमेंट भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कम पूँजी से आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं घर पर रह करके, ठीक है। तो वीडियोज़ क्या, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम डिटेल्स में आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आपको क्या करना है और किस तरीके से जो है इसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हाथों में कुछ बिस्किट है, मैं इसको रख करके नीचे फिर आपको दिखाता हूँ और ज़रा इसको आप पहचानिए। मैं बिजनेस भी बता रहा हूँ कि कितने का मिलता है और कहाँ से लाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से जो है। देखिए दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं बिज़नेस करने में, तभी आप इस वीडियोज़ को देखिएगा। अभी आप लोग जैसे जानते हैं, यदि आप मेरे व्यूअर हैं, तो मैं गया था गोरखपुर, तो मेरे से काफ़ी लोग मतलब उल्टा सीधा बात कर रहे थे कि भाई तू बिजनेस आइडिया बेकार देता है, तेरे को आइडिया नहीं है, तेरे को आता नहीं है ना, तो तेरी आइडिया जो है कोई सफल नहीं होता है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं कि मेरी आइडिया सुन करके बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो मेरी नकल करते हैं, है ना, मेरे मतलब कि मेरे तरह से वो वीडियो बनाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं तो चाहता हूं कि यार मुझे अगर मेरे बारे में कितने लोग हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं, पूछते हैं कि सर आपके बारे में वीडियोज़ बनाऊँ, मैं कहता हूँ यार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। मैं कुछ नया खोज रहा हूँ, अगर उसको अच्छा कर रहा हूँ तभी तो लोग उसका नकल कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे होता रहता है, मैं घबराने वाली बात नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को हौसला दिया है ना, उसके लिए मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। क्योंकि बहुत लोगों ने, मैं डिमोटिवेट हो गया था यार, मैं सोच नहीं रहा था कि सर ये सब बताने के लिए, मैं तो मतलब कहीं किसी और डायरेक्शन में जा रहा था, बट आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कमेंट करके, मुझे बहुत हौसला मिला, ठीक है। तो इसके लिए मैं दिल से यार शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, क्योंकि ये जीवन भर आभारी रहूँगा। क्योंकि यार कोई जब निगेटिव हो जाता है तो उसको पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल होता है, तो खैर आप लोगों ने किया वो काम, यार सच में दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए मैं एक बिस्कुट दिखाता हूँ, शायद आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये बिस्कुट जो है, जरा आप पहचानिए, मैं किसी का बिस्कुट का नाम नहीं लूँगा, आप लोग बिस्कुट तो खाते होंगे, मैं कैमरे के सामने कर रखा हूँ, इस बिस्कुट को आप पहचानिए कौन सा बिस्कुट है। मैं इसके पीछे साइड में दिखाता हूँ, है ना। देखिए मैं अलग अलग बिस्कुट आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से जो है आप पहचान सकते होंगे कि ये कौन सा बिस्कुट है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसमें मैंने 50 बिस्किट खोले हैं। आप जानते हैं कि ये एक जगह एक दुकान पे नहीं मिला है, मैं इसको अलग अलग दुकान करके दो दो तीन तीन ऐसे कर करके ख़रीदा हूँ और ख़रीद करके मैं लाया हूँ, और ला करके मैं आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला था। मैंने सोचा मैंने कि सबसे कुछ अलग करते हैं, क्योंकि बाकी लोगों ने तो बहुत कुछ बनाया है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं मैं कुछ अलग करूँगा। देखिए दोस्तों आपको बिजनेस करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दुकान है, और दुकान में यदि आप बिस्किट बेचते होंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आप कितने आइटम रखेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 5, 6, 7, 8, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। मतलब मैं तो सिर्फ 50 आइटम के बारे में बता रहा हूँ, बट दुनिया में पता नहीं कितने बिस्किट होंगे, कितने ऐसे बिस्किट होंगे जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं होगा, ठीक है। बट रह गई बात कि अगर आपके पास कम पूँजी है, घर से गाँव से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए गत्ता कोई चीज़ खरीदते हैं, गत्ता खरीदते हैं तो वो आपको सस्ता मिलता है, है ना। सस्ता मिलता है कहने का मतलब है कि जब आपको सस्ता मिलेगा तभी तो आप सस्ता देंगे, है ना। एक ऐसा ये प्रोडक्ट है, इसमें ज़्यादा कमाई नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे पार्ले जी की आती है, है ना, पतंजलि की बिस्कुट आती है, ऐसे ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो ज़्यादातर मतलब बिकती है, तो उसमें कमाई ज़्यादा नहीं होता है, बट वो ओरिजिनल होता है। और मार्केट में बहुत से ऐसे बिस्कुट हैं जो डील किट हैं, है ना, उसी के नाम के आसपास कुछ नाम होता है, आपने देखा होगा, तो ऐसे चलता रहता है। मैं किसी कंपनी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी बिस्कुट ठीक है, ये भी बिस्कुट ठीक है। रह गई बात जब जो जिसको पसंद आए वो जो है अपना खाता है, देखता है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप गत्ता लेते हैं, अगर आप दो पैकेट तीन पैकेट खरीदेंगे तो फिर ये बिजनेस तुम छोड़ दीजिएगा, ये मत सोचिए। आप जो है पेटी खरीदिए, कहने का मतलब कि चार पेटी, पांच पेटी जब खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए पार्ले जी की पेटी आती है 635 का कहीं मिलता है, कहीं 630 का मिलता है, मगर वही चीज़ 625 का भी मिलता है कहीं कहीं जगह पर। तो आप जब मतलब ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, पाँच पेटी लेते हैं, चार पेटी लेते हैं, तो वो आपको सस्ता मिलता है। और सस्ता मिलेगा तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके पास बाइक है, मैं जानता हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके पास साइकिल या बाइक ही होता है, है ना, ऑटो या फिर और कुछ तो नहीं होता है साधन, तो ये बाइक पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास रखने के लिए घर है, आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, इसको बनाना थोड़ी ना है, क्योंकि बना बनाया तो आता है ना, आप इसको घर में
हर कंपनी का जो आपके मार्केट में जो मतलब चल रहा है, जहाँ पे आप रहते हैं उसके 4-5 किलोमीटर के एरिया में जो बिस्कुट आप चल रहा है ज़्यादातर, उसके हिसाब से उसको ख़रीद लेना है, ठीक है। उसको ख़रीद करके अपने घर में रख लीजिए, और रख करके और पैकेट पैकेट दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए पार्ले जी में आती है ना पैकेट पैकेट करके 6-7-8 पैकेट, वैसे आप पैकेट पैकेट देंगे तो आपको फ़ायदा है। अगर आप फिर वैसे गत्ता खरीद कर गत्ता ही बेचेंगे फिर उसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और वैसे बिस्कुट में कोई भी बिस्कुट हो अगर ब्रांडेड है तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बाइक पे इसको रख करके, अगर आप वैसे ट्रॉली बना सकते हैं बाइक पे तो उस पर रख करके अलग अलग तरीके का बिस्किट, ठीक है, जो सस्ते होते हैं वो भी रख सकते हैं, जो महंगे होते हैं वो भी रख सकते हैं, अब लोगों का डिमांड अलग अलग है। तो आप उसको रख करके और छोटे छोटे दुकानों पे, जैसे गुमती होते हैं, नुक्कड़ चौराहों पे होते हैं, छोटे छोटे दुकान, पान की दुकान होती है, छोटे छोटे किराने की दुकान होते हैं, वहाँ पे ले आकर के इस बिस्कुट को सेल करेंगे तो लोग जो है आपसे खरीदेंगे। अब दिक्कत यह है कि अब सोचेंगे कि यार इसमें पेट्रोल लगेगा, इसमें खर्चा लगेगा, बशर्ते दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए 45 में मिलता है, होलसेल में जाकर लाते हैं वो बंदा दुकानदार, अगर लाता है 45 रुपये में, तो अगर आपको वो 43 में यदि आप देंगे तो वो आपसे लेगा, है ना। आपको 40 में मिला आप 43 में देंगे, अब जैसे दुकान पे है उनको किराया देना है, ये देना है, वो देना है, तो भाई वो तो लेगा क्योंकि उसको उसको भी कुछ चाहिए ना। तो 50 पैसे 1 रुपये के हिसाब मतलब आगे पीछे से ये आपका बिजनेस जो है चलता है। अब आप सोचेंगे मैं इकट्ठा 5 रुपये कमा लूँ तो वो मुश्किल है। अब मान लीजिए जो फुटकर में बेच रहा है वो एक पैकेट लेगा या एक गत्ता लेगा तो वो कितने दिन में बेचेगा उसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो भाई उसको तो प्रॉफिट चाहिए ना, क्योंकि उसको रूम का किराया देना है, ये देना है, बिजली का खर्चा देना है, वो अपना खुद का जो है खर्चा निकालना है, तो वो तो कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन आप यदि होलसेल में दे रहे हैं, होलसेल में दे रहे हैं और आप होलसेल में ही देंगे तो बिकेगा ना। अगर आप फुटकर में देंगे तो फिर आपसे कौन खरीदेगा। अब मैं बोलूँ कि आप क्या कीजिए ठेले पे लगा करके इंस्टॉल लगा लीजिए, तो इंस्टॉल लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि नहीं बिकेगा, आपका बिस्कुट ख़राब हो जाएगा। आप उतना ही माल लीजिएगा जितना कि आप बेच सकते हैं। जैसा कि मेरा किराने दुकान है तो मैं उतना ही माल लाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लाता हूँ, मैं ज़्यादा ज़्यादा एक गत्ता ले सकता हूँ, एक गत्ता हर कंपनी का जो जो मुझे मेरे यहाँ चलता है उसका एक एक गत्ता मैं मंगा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 4-4 गत्ता 5-5 गत्ता मंगा लूँगा, फिर तो मेरे पास ख़राब ही होंगे, वो वापस भी नहीं होता है, एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये जितने भी मैं बिस्किट आपको दिखाया, मैं आपको एक बार फिर ट्रॉली दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें 50 अलग अलग तरीके से 2-2 पीस 3-3 पीस मैं लगा के रखा हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अलग लगे आप लोगों को। और आप इस वीडियोस को देखें, और जो लोग मतलब सच में बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, जो उनका जो मनोबल है वो टूटे नहीं। मैं मानता हूँ कि बिस्कुट में कमाई कम होती है बट बिकता है, डेली बिकता है, नाम से बिकता है, कुछ आप मेहनत करेंगे तो यार नाम से बिकेगा। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप बिस्किट ही बेचिएगा, उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, है ना। जैसे गुटखा लोग खाते हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं। देखिए आप ये रह गई बात, आप बोलोगे कि भाई आप गुटखा खाना मना करते हो, फिर आप बोल रहे हो गुटखा बेचने के लिए। देखिए दोस्तों बात यह है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कोई और बताएगा, और मेरे कहने से और ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको बेचना हो तो बेचेगा ही, जिसको खाना हो तो खाएगा ही। मैं आपको या किसी को मैं मना करूँगा आप दारू मत पीजिएगा, कौन मानने वाला यार, जिसको मर्जी है वो तो खाएगा पिएगा ही, ठीक है। तो ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, तो आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने आपको बताया। आप देखिए इस बिस्किट के साथ साथ और भी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिसमें कुछ मार्जिन ज़्यादा आता है, आप उसको रख सकते हैं और दुकानों दुकानों पर देख सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, मैं वो यही काम करता है, वो क्या करता है कि जाके होलसेल से पेटी पेटी ला के रखता है और ला करके अपने घर पर रखता है, और घर से अपने बाइक पर उस सामान सामान रख करके जा जाके दुकानों पर देता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी के बस में कर रहे हैं तो उससे अच्छा ही ना कि आप अपना निजी खुद का मालिक रहेंगे, उसमें आपका पेट्रोल खर्चा भी निकल जाएगा और आपकी मर्जी रहेगी यार। सबसे खुशी की बात ये होती है, मैं इसलिए बताता हूँ कि घूम करके, देखिए मेरे जितने भी आइडियाज़ हैं मैं सबको बताता हूँ कि घूम करके काम करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि मैं घूम करके ही कमाया हूँ और मैं घूम करके ही काम करता हूँ, मतलब करता था और करता भी हूँ, ठीक है। अब दुकान सोच रहे होंगे आप दुकान चलाते हो, आप दुकान चलाते हो तो आप तो बैठ करके काम करते हो। अभी मैंने दुकान किया है ना, क्योंकि जब मेरा जो है YouTube आ गया, DTH का काम आ गया, ये सब आ गया, मैं देख लिया सब कुछ कर लिया, फिर मैंने सोचा यार कि चलो अपने पास लड़के रख लेंगे एक आध जो DTH का काम करते हैं। तो मैंने क्या करता हूँ, मैं थोड़ी जाता हूँ बनाने के लिए, मैं नहीं जाता, मेरे पास जो बच्चे आते हैं जैसे टेक्नीशियन लोग होते हैं वो आते हैं, मैं उनको नंबर देता हूँ, वो जा करके काम करते हैं, उनकी भी दिहाड़ी वाड़ी लग जाती है। साथ में अपना क्या है, अपना तो मान लीजिए कि मुझे कुछ यूट्यूब से अर्निंग होती है, दुकान से अर्निंग हो जाती है, थोड़ी बहुत खेती है उससे भी अर्निंग हो जाती है, चलता है अपना काम, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए आइडिया मैं देता हूँ या फिर बताता हूँ जिनको कुछ समझ नहीं आता है, जिनको मतलब निराश हो चुके हैं कि मैं यार कुछ कर ही नहीं सकता, मैं ये मेरे बस की नहीं है, तो मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ। अब आप ही देख लीजिए इस बिस्कुट को ढूंढने में मुझे पूरा दिन लग गया, क्योंकि 2-2 बिस्कुट एक एक बिस्कुट हर अलग अलग कंपनी का बहुत से बिस्कुट हैं, जितना मिला मैं लेके आया और ला करके आपके सामने वीडियोस पेश किया। तो
उम्मीद करता हूँ यार आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता था। जो मैं बताना चाहता था मैं बता दिया। आपको अच्छा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं एक ऐसी कॉन्टेंट देता हूँ जिस तरीके से मतलब मेरे नकल लोग करते हैं, अच्छी बात है। और मैं बोलता हूँ, लोग पूछते हैं ना कमेंट में कि भाई आपकी मैं वीडियोज़ बनाऊँ, मैं आपके नाम पर वीडियोज़ बनाऊँ, बनाओ यार क्या दिक्कत है, मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, है ना। तो मेरी आइडिया पता नहीं कितने लोग कॉपी करते हैं, अच्छी बात है करते रहें यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। आप लोग खुश रहिएगा यार, दीपावली आने वाली है, अच्छा से काम कीजिएगा। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं अभी मौका है, अभी बहुत ज़्यादा मौका है, बस समझने वाला इंसान समझ जाएगा और वो कर लेगा, ठीक है। मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैं भी एक छोटा सा आदमी हूँ, बट जितना मुझे पता है, जितना मेरे नॉलेज है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।